मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरया रे, गोर नानक जिन सुनया पेख्या, से फेर गर्भास ना परया रे, जन के चरण वसह मेरे हियरे, संग पुनीता देही, जन की धूर दे हो कृपा निद, नानक कै सुख एही, जन की धूर दे हो कृपा निध, नानक कै सुख एही। परम सम्मान योग चवर तखत सिंहासन दे वाहिद मालक शब्द स्वरूप धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा कीती है। अज दे इन्हां विशेष गुरमत दीवाना दी हाजरी भरदियां आप जी ने रल मिल के सतगुरु की मुबारक बाणी का ओट आधार आसरा तकद्या होया बाणी का पाठ, बाणी नू गायन किया है, बाणी नू सरवण किया है, सतसंगत रूप विच सज के आपां सारे ही गुरु उपदेश का लाहा प्राप्त करन वास्ते यतनशील हाँ। सो आओ, गुरमत विचारां दा वक्त है। सतगुरु के पावन उपदेश ते गुरु महाराज के परउपकारां दे विचार आपस में सांझियां करन तो पहला दशमेश जी की बख्शी हुई मुबारक फतेह आपां सारे ही बुलंद आवाज विच सांझी करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की मुबारक बाणी दे विच गुरु साहिबान तो इलावा भगत साहिबान, गुरसिख ते भट साहिबान का अनुभव शब्द रूप विच दर्ज है, जिसनों आप आखते हाँ भी गुरबाणी दे विच भट्टां दी बाणी है, गुरसिखां दी बाणी है, भगतां दी बाणी है। दरअसल इस बाणी नू इकत्र करन दा सिलसिला गुरु नानक साहब महाराज ने आप अपने जीवन काल विच ते अपनियां प्रचार फेरियां विच आरंभ कर लिया से। ते सानू सबना नू ये ख्याल साडे मन विच बड़ी पक्की तरह वस जाना चाहिए है कि जेड़ी बाणी जेड़ा उपदेश सतगुरु धन गुरु नानक साहब महाराज के आशे का पूरक सी, उन्हां दे आशे नाल मेल खांदा सी, जो उसकी एक्सप्लेनेशन देंदा सी, उसकी व्याख्या करदा सी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्हां ही उपदेशां नू अपनी पोथी दे विच आप दर्ज किया है, चाहे वह किसी भी महापुरख का उच्चारण किया होया। तो दूसरा नुकता ये नाल साडे चेते विच ये रहे कि सतगुरु ने केवल इकला शब्द जां उपदेश ही दर्ज नहीं किया, ये भी वेख्या है कि उपदेश देण वाला कौन है, उसका अपना जीवन कित्थे खड़ा है, उसकी अपनी करनी कित्थे खड़ी है, उसने अपने जीवन में इस गल नूं किन्ना मन्निया ते कमाया और किस हालात में उसने ये उपदेश दिता, इस चीज़ नूं भी सतगुरु ने अपने सामने रखिया। काफ़ी अरसा पहला एक विचार सुन विच आया सी,
उस सज्जन ने कहा गल अपने आप विच कई बार दिल नूं टुंब जांदी है नवी होवे तां, पर जे असीं कुछ गल्लां दी घोख करना छड़ दईए तां बड़े वड्डे भुलेखे भी वह चीज़ां जिहड़ियां ने साडे सामने पैदा कर दिंदियां। उस सज्जन का कहना सी कि जे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कोल अज वर्गे सहूलतां ते साधन हुंदे, दुनिया भर दे वड्डे वड्डे विद्वानां ते फिलासफरां दे बचन उन्हां दीआं लिखतां गुरु नानक साहब अपने नाल सांभ के लैके आउंदे। सानूं लगता है क्योंकि उदों साधन नहीं सन, सानूं लगता है अज किड्डे वड्डे साधन ने। अज जदों असीं मीडिया विच जाने आ, चाहे वह सोशल मीडिया है कितें भी इंटरनेट की आप वरतों करते हैं, तो बड़े चंगे चंगे विचार आपां नूं पढ़न वास्ते सुनन वास्ते मिलते हैं, तो बंदा हैरान हुंदा है भी इन्ने स्याणे स्याणे बंदे दुनिया विच साडे नेड़े तेड़े बैठे ने। हुण इह गल साडे मन नूं टुंबेगी भी सचमुच ही जे अज वर्गे साधन गुरु नानक साहब महाराज कोल हुंदे, दुनिया भर के विद्वाना फिलासफरां ज्ञानियों का डाटा गुरु साहब इकट्ठा करके रख लेंगे, केवल 11 या 15 गुरसिखां इन्हां इन्नी कु बाणी थोड़ा इकट्ठी कर लेंगे। हुण गल अपने आप विच मन नूं टुंबदी है भी गल ते सच है, गुरु साहब बड़े अगांह वधू सन, गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज तां जमाने नूं अगांह ले जाण वाले सन। पर एक ख्याल रखना, ऐसा नहीं भी गुरु नानक साहब दे वेले विद्वाना जां फिलासफरां दा कोई काल पिया होया सी। जिन्हां जिन्हां थावां ते गुरु साहब गए ने, अज भी ये साडा मनना है, जे तुसीं सोचो ना भी जिहड़े जिन्हां शास्त्रां धर्म ग्रंथां जां जिन्हां गल्लां नूं अज असीं मानता नहीं देंदे, उन्हां दा भी बड़ा डूंघा अध्ययन अध्यापन करन वाले लोग अज भी उस ही भारत विच मौजूद ने, हर गली ते मुहल्ले विच बैठे हुए ने। अज जे सानू उन्हां नाल डिबेट करनी पै जाए तो सानू समझ लगेगी भी वह बंदे कित्थे खड़े ने, विद्वता दे पक्षों, गलबात दे पक्षों, और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन दे विच स्टडी कीता उन्हां सारियां गल्लां दे लॉजिक उन्हां दे कोल किन्ने वड्डे वड्डे मौजूद ने। साहिब सतगुरु गुरु नानक महाराज कांशी जांदे ने, और एक असी एक सतगुरु का उपदेश भी पढ़ते हैं बाणी दे विच, ओंकार की बाणी की उथानका विच लिखिया है विचारवाना ने भी सतगुरु पातशाह जिस वेले उजैन जाते हैं जा इन्हां थावां ते जाते, ओंकार का मंदिर उत्थे बड़ा वड्डा है, उत्थे बहुत वड्डी पाठशाला उन्हां समयां दी मौजूद सी। गुरु साहब ने अरब दे इलाके विच यात्रा कीती है मक्के मदीने विच, और जो इस्लाम की तहजीब है जिसने थोड़ा जिन्ना भी जाणिया कि इस्लाम के कोल किन्ने वड्डे वड्डे फिलोसफर, किन्ने वड्डे वड्डे धर्माचारिया, किन्ने वड्डे वड्डे लेखक, और किन्नी वड्डी उन्होंने अपने आप विच कल्चर पैदा करके उन्हें डिवेलप किया है, जे उस चीज़ में समझ लिया जाए थोड़ा बहुत भी तो हैरानी होंदी है भी किन्ना कुछ इस्लाम दी दायरे दे विच किन्नी वड्डी विद्वता भरी पई है। मेरा ये कुछ गल्लां कहण दा भाव यह है भी गुरु नानक साहब वेले विद्वाना फिलासफरां दा कोई काल नहीं सी पिया होया, बहुत सन। जे सतगुरु लियाना चाहते उन्हां दीआं लिखतां तो वह आप हजूर नूं पेश कर दे, पर सतगुरु का यह मकसद नहीं सी। महाराज का मकसद है मनुख के जीवन में पलटा लैके आना, मनुख के जीवन की तासीर नूं बदलना, मनुख के अंदर एक जागृति पैदा करनी, मनुख नूं अंदरों सुचेत करना, अवेयर करना, उहदा एक तालमेल है जिहड़ा अपने आप नाल कादर सिरजणहार दे नाल ते खलकत दे नाल बना के रखना। तीन शब्द आउंदे ने साडियां लिखतां विच, एक आउंदा नाम, एक आउंदा दान, एक आउंदा इशनान। भाई गुरदास जी इहनूं लिखदे ने नाम दान इशनान दृढ़ाया। नाम दा अर्थ है अपने सिरजक वल मुख करना, यह अहसास करना भी मेरा एक सिरजक है, और जो कुछ मैं वेख रहा उह सिरजणहार वाहिगुरू सिरज के कर आसन डिठो जाओ उहदे विच विराजमान है। नाम का बेसिक अर्थ यही है, अपने सिरजनहार नाल एक सुर होना ते उहदे होण दा अहसास करते रहना भी उही है, उस तों बिना कोई दूजी सत्ता है नहीं। साडे सामने मटीरियल उपजदा है, चलदा है, अपना कार्यकाल समा लिमिट पूरी करके खत्म हो जाता है, पर उह सत्ता ज्यों दी त्यों है।
पानी दे विचों लहरां उठदियां नूं इहनूं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच फॉर एग्जाम्पल इवें कहा गया भी जिवें पानी दे विचों लहरां उठदियां ने तरंगां उठदियां ने ते पानी दे विच ही वापस समा जांदियां ने। इह सारे संसार की सिरजना इवें कम करदी है ते लहर उत्थे ही उठेगी ना तरंग उत्थे ही उठेगी जिथे भरपूर पानी होएगा। कोई सत्ता है जिस विचों इह संसार का मटीरियल रूप रंग आकार पैदा भी हो रहे ने ते विखाई दे के फिर उहदे विच वापस वो चेतना का हिस्सा भी बन जाता है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच उस कादर दी उस अकाल पुरख वाहिगुरु की एक्सप्लेनेशन एवें ही दिती गई है। तो दूजी गल है दान भी जिसने अपने सिरजनहार वल मुख करना है उन्हें स्वार्थी नहीं होना, उसने जो दिस रहा है उन्हूं भी ध्यान विच रखना। भारत दे विच एक ये विचार चलिया भी एक लोग वो सन वाम मार्गी पंथ भी ऐसे लोग भी ने ऐसे सिलसिले भी ऐसिया संपर्दावान भी भारत में मौजूद ने जिड़िया केवल तो केवल मटीरियल तक ही सीमित ने। छे शास्त्रां दे विचों एक शास्त्र भी यही कहिंदा तर्क शास्त्र, वो कहिंदा इन्ना जान लेना बहुत है कि जो तुहानू दिस रहा ही सबो कुछ है, इस तों अगे कुछ नहीं है। असी जिस वेले सोहले की बाणी का पाठ करते ना उस विच महाराज की पंक्ति आउंदी है छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक। एक पंक्ति विच ही महाराज ने उन्हां बाबत इन्ना गहरा चिंतन साडे सामने रख दिता भी छे घर छे गुर छे उपदेश भी छे विचार धारावां ने छे शास्त्रां दीआं छे शास्त्र ने। हर शास्त्र की अपनी अपनी विचारधारा है एक दूजे नालों रलगड नहीं होंदिया ते उन्होंने लिखण वाले भी छे वक्रे वक्रे ऋषि ने। उन्हां शास्त्रां ने भारतीय कल्चर विच अपना अपना एजेंडा जिहड़ा उन्हूं फैलाया ते उस एजेंडे के मुताबिक कई संप्रदावां पैदा हो गई। उहदे विचों तर्क शास्त्र ये कहिंदा भी जो मटीरियल तुहानूं दिस रहा इस तों अगे कोई सत्ता दुनिया विच है नहीं, पर जो होवे भी तुसीं उहदे विचों लभणा भी की है तुसीं करोगे भी की। पर की गुरु नानक महाराज ने उस शास्त्र की इस विचारधारा नूं अडोप्ट कीता? बिल्कुल नहीं कीता। फिर ऐसी विचारधारा भी भारत विच चली जिथे अंतरमुखी होण दी गल नूं भी तुसीं परमेशर नाल सांझ बनाओ, ये संसार ते बिन सजाण वाला है ते इहदी तां गल करनी ही फजूल है। उदाहरणा दिंदा जोगी वैरागी सन्यासी सब इसे विचार के उत्ते खड़े ने कि तुसी अपना आप सवारो रब नाल जुड़ो मुक्ति हासिल करो मोक्ष जो भी उन्होंने मिथ्या है तुसी संसार तो की लैना है। जुल्म हुंदा है ते होण दिओ, पाप हुंदा है ते होण दिओ। जिहड़ा तुहाडे राह ते चलना चाहुंदा है कमिटड है उन्हूं दसो परमार्थ की गल, दूजे नाल सिरख पाई करन दी भी कोई लोड़ नहीं। जदों असी गुरु नानक साहब का जीवन पढ़ते हैं ना भी गुरु पातशाह जिस वेले ऐसे योगियां जां सिद्धां नाल वार्तालाप करन गए तो उन्हां वर्गे वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए सन। उहदा कारण ही ये सी कि गृहस्थी मनुख नालों धर्म के किसी भी विषय के उत्ते गल करनी पसंद नहीं सन करदे। उन्हां नूं लगदा सी भी ये अपना समय चों समा कढ के साडा टाइम खराब करन वास्ते आए ने, चलना तो इस राह ते है नहीं। फिर इन्हें जाके गृहस्थियां वाले काम करने ने, फिर किरत विच रुझ जाना है, फिर जंजाल विच, फायदा की है? और जिन्ना कु जोगी लोगों के काम आते सन उन्ना की जोगी लोगों को लेके खा के पहन के उन्हों का हक मोड़ देंदे सन, ऐसी गल नहीं। दारू दरमल भी जोगी करते सन उन्हां समय च, होर कई तरह दियां जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां मुश्किलां सन वो ऐसे साधा जोगियां दियां मंडलियां कोलों ही लोगों दियां हल, सारे एक दूजे के स्वार्थ नाल ही जुड़े हुए सन। जे गृहस्थी आके ना भी मैं जोगी नूं पाल रहा तो जोगी को लै कुछ नहीं रहा, नहीं उहदे कोलों जिहड़ी उह तसल्ली लै रहा उहनूं होर कितों मिलनी भी नहीं सी, जिहड़ी सैटिस्फैक्शन लै रहा सी उहदे कोलों होर कितों लभ भी नहीं सी सकदी उहनूं, सारे उलझे हुए सन एक तरह के नाल और एक दूजे की पूर्ति एक दूजे के हितों की पूर्ति कर रहे सन। उन्हां दा यह ख्याल सी भी तुसी मटीरियल बारे लोकां बारे किसी इशू बारे कोई समाज है कोई राजनीति है कोई की हो रहा इहदे बारे चर्चा करनी ही गलत है। तुसी रब नाल जुड़ो इबादत करो भगती करो तप करो बंदगी करो, जो उन्हां दा अपना विचार है थॉट है इस तों वध कोई गल करन दी लोड़ नहीं। पर गुरमत ने सानू की कहा? पहला उन्होंने कहा नाम, गुरु नानक साहब ने भाई गुरदास जी कहिंदे नाम दृढ़ कराया, सिरजक सिरजनहार वाहिगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु की इबादत ते उहदे गुणां दा चिंतन करना सिखाया।
वह है इस एहसास नाल जुड़ना। तो दूजा की है दान, दान का मतलब है खलकत वल रुख करना, कुछ देना। दिता किनू जाएगा? जिथे किसी की लोड़ की तुसी पूर्ति कर सकते हो। और एक बड़ा वड्डा फील्ड है दान का, मतलब केवल इन्ना नहीं हुंदा कि चंद चीज़ां जड़ियां ने गिणियां मिथियां किसी खास जगह दे उते दे देना ही सब तो वड्डा दान नहीं। गुरमत विच दान दा दायरा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा। जदों तुसी किसी का दुख सुन के उन्हों त्रवास देने हो तो तुसी अपने कोलों जो दे सकते हो बहुत वड्डी चीज़ उन्हों देने हो, जिहड़ी किसी दौलत नाल नहीं मिल सकती। किसी गुमराह होए जां कुराहे पए होए मनुख नूं जे तुसी कुछ दस के उन्हों सही राह ते लियाउण दी कोशिश करदे हो ना तो तुसी बहुत वड्डा दान करदे हो। जे असी अपने जीवन दे विच किसे नाल ईरखा नहीं ना करदे, नफरत नहीं करदे, भेदभाव नहीं करदे, तो जी असी जीवन की ठंडक वंडते हैं ना दुनिया नूं, उहदी कोई कीमत नहीं, वह बड़ी अमोलक है। ये भी संसार नूं वंडना ही कहा जाता है। वंडे केवल पदार्थ ही नहीं जाते, तुसी अपनी जिंदगी दे विच जो चंगियाई है जे तुसी अपने आप नूं चंगा कर लो ते तुहाडे तों वड्डा दानी इस संसार विच कोई नहीं, क्योंकि जो तुसी वंडोगे ना वह दुनिया दे विच दौलत नाल भी नहीं मिल सकता। एक मनुख हो है गुरु नानक साहब की आप साखी पढ़ते हाँ भी वह मलक भागो नूं कहिंदे भी तेरी रोटी च लहू है, जे मैं तेरा पकवान छक लैना तो मैनू एवें लगेगा भी मैं भी तेरे पाप की कमाई विच भागीदार हाँ। साडा प्रचलित सिस्टम की है, हर साल ब्रह्म भोज के उत्ते वह साधां नूं पंडतां नूं धार्मिक बंदियां नूं बुलाउंदा है, वह छकते ने मंत्र पढ़ते ने, तो फिर वह की कहिंदे होणगे जो असी कहिंदे आ लोकां दे घरां जाके भी वाहिगुरु अकाल पुरख तुहाडी कमाई च बरकत पाए। हुण सानू इस गल नाल कोई लैण देण थोड़ा भी कमाई करदा की है, इन्ना डूंघा चिंतन असी क्यों करिए, तो ना ही असी पुछांगे भी तुसी कमाउंदे क्यों करदे की हो, तुसी किसे नाल फराड ते नहीं कीता, तुसी किसे दा हक ते नहीं मारिया। हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज वेखदे ने भी जिहड़े आउण वाले जिहड़ा कमाई करके ब्रह्म भोज कर रहे हैं वह भी इहो जिहा ही है, तो जिहड़े इहदे कोल आउण वाले वह भी उस भगवान दे अगे यही अरदास कर रहे ने भी इहदी कमाई च बरकत पवे। तो उहदी कमाई च बरकतां तां ही पैणगियां ना जे लालो वर्गे होर लुटे जाणगे, तां बड़ी सीधी जी गल है। गुरु साहब ये नहीं सन कह सकते, उहदा कारण उहदे दो मूल कारण ने। गुरु नानक महाराज का मनना है कि यतन नाल बंदा चंगे जा माड़े यतन नाल दुनिया की दौलत इकट्ठी कर सकता है, इहदी बरकत मंगण का तो कोई अर्थ ही नहीं। जे तुसी मनुख नूं इहदे ते डिपेंड कर दोगे ना जदों कल नूं उहदे कोल रिहा कुछ ना फिर उहनूं सहारा कहदा दिओगे। मन लो मैं एक उदाहरण दे रहा, मैं जिसलिए यह कह रहा भी वाहिगुरु अकाल पुरख जी ये कोल दौलत की कोई थोड़ ना है, कि ये माया नाल भंडारे भरे रहन, ये कहण वाले नूं चंगी लगती है, सुन वाला उदों भी ज़्यादा खुश हुंदा भी मैनू कुछ मिलेगा घट्टो घट मेरे लिए कुछ कहा गया, पर तुहानू नहीं लगता भी असी उहदे लई अद्धी चीज़ मंगी है, उन्हों असी यह सोचण ही नहीं दिता भी जे कल नूं ये सारा कुछ ना होया तो किवें गुजारा करेगा, तेरा चलेगा किवें, तेरी जिंदगी उस वेले तैनू नहीं लगेगा तू अपाहज हो गया, उस वेले तैनू अरदास करन वाले ते भी गुस्सा आएगा, तो जिस अगे अरदास कीती जा रही उहदे ते भी गुस्सा आएगा, तैनू लगेगा रब बड़ा धक्केखोर है, जिन्ना चिर दे रहा सी तैनू लगेगा चंगा है वधिया है मेरी सुणदा है, जिस दिन ना होया उस दिन तो आखेंगा रब वर्गा वैरी कोई नहीं दुनिया च, उन्हें मैनू लुट लिया, उन्हें मेरा सारा कुछ खत्म कर दिता है, मेरे नाल भला रब का की वैर सी। आम बंदे तुसीं कहिंदे होए सुणोगे, गुरु नानक साहब ये गल क्यों कहणगे भी मलक भागो दे खजाने भरे रहन। गुरु साहब ने तो यह भी दसना भी होया तां भी सहज विच रहना, ना होया ते तां भी सहज विच किवें रहना है, मैं ये नहीं कह सकता भी सदा रहे तेरे कोल रहना कुछ भी नहीं, ये तो कुदरत दा असूल है, तो उस असूल तो उल्ट ये गल मैं तेरे सामने किवें कह सकता भी ये चीज़ थिर रवे। कोई भी चीज़ संसार विच थिर नहीं और ना ही तुहाडे कोल उस चीज़ नूं कायम रखण दी कोई ताकत है। ये तो कहना ही खजूल हो गया ना धर्म के खेत्र, जिसने सच्चाई नूं जाणिया
ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੱਟ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ। ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੰਬਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗ 'ਚ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਫਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਫਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਔਫਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਹ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਹੈ, ਖਸੁੱਟ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਨ ਰਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਨਾਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਅਤੇ ਹਰ ਘੜੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਬਿੰਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਥ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਕ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਵਿਚਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੱਚ 'ਤੇ ਨਿਰੋਹ ਹੈ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਦਾਨ, ਦੇਣਾ, ਵੰਡਣਾ। ਵੰਡਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ।
हुण तुसीं वेखो इबादत दा खलकत नाल किन्ना गहरा संबंध जुड़ गया। और तीजा शब्द की है, जिस तों बिना ना इबादत पूरी है ते जिस तों बिना ना खलकत दी सेवा पूरी। उह की है? इशनान, अपने आप वल रुख करना, अपने आप नूं जानना। ये ना होवे तू रब रब करदा रह जाए जां दुनिया दे भले दीआं स्पीचां करदा रह जाए जां गल्लां करदा रह जाए, तेरे अपने जीवन च कुछ वापरे ही ना, तेरी जिंदगी उत्थे दी उत्थे ही खड़ी रहे। ये तिन्ना चीज़ां दा ताल मेल बनाए बिना तो धर्मी नहीं हो सकदा। नाम दान इशनान दड़ाया, भाई गुरदास जी कहिंदे ने। तुसीं वेखो किड्डा वड्डा कलावा है गुरु नानक साहब दा, किड्डा वड्डा दायरा है गुरु नानक साहब दा। कादर नूं, सिरजना नूं ते इन्हां दोवां चीज़ां नूं जानण वाले तिन्ना नूं उन्होंने विच रख लिया। ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਲੇ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਤਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਸਪੇਟ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਧੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ,
ये पक्ष में मैं एक उदाहरण जी थोड़े नाल आप इस गल समझ रहे हैं उदाहरण थोड़े नाल सांझी करदा भी जिते ते सांझा सरलेख बाणी दे विच आया ना उत्थे बाणी भगतां की आया आप विचों जिहड़े बाणी आप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के जिन्हां ने दर्शन किए ने। तो एक उदाहरण होर मैं देना बाबा शेख फरीद साहब सब तो पुराने महापुरख ने इतिहासक समय के तौर पर जिन्हां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज उन्हां दा केवल छोटा नाम जिहड़ा प्रचलित तो फरीद ही गुरु ग्रंथ साहब दे विच आया। तो जिथे भी उन्हां दी बाणी दर्ज है जिथे उन्हां दे वक्रे शब्द दर्ज ने चार शब्द ने इस तो इलावा सलोक ने तुसी उन्हां सलोक जिथों उन्हां दे आरंभ हुंदे जिथों कबीर साहब दे सलोक आरंभ हुंदे ने सिरलेख पढ़ना ते जिथों फरीद साहब दे सलोक आरंभ हुंदे ने उत्थे सिरलेख पढ़ना। भगत शब्द फरीद साहब दे नां नाल नहीं वरत्या गया सांझा सिरलेख तां आ गया भगतां की बाणी जिवें आपां कहिंदे ने महापुरखां की बाणी पर जिथे कल्ली बाबा शेख फरीद साहब की बाणी आई उत्थे उन्हां दे नां नाल भगत नहीं वरत्या शेख शब्द वरत्या। हुण कल नूं इह वी कोई दलील दे ही सकदा है ना भी वेखो साडू तां भगत भी नहीं मनदे अगले दरअसल गुरु साहब ने उही शब्द उन्हां दे नां नाल उवें ही रहण दिता तखलस वडियाई का उपमा का जो उन्हां नूं जिस नाम नाल पुकारिया जाता रहा ना कुछ वधाया तो ना कुछ घटाया। हुण फरीद साहब जिहड़े परिवारक जां जिहड़े समाजिक कल्चर विच पैदा होए ने उन्हां दे कल्चर विच भगत शब्द की वरतों नहीं हुंदी शेख शब्द की वरतों हुंदी और उन्होंने खुद भी अपने आप नूं इही गल कहि आखी शेखा बंदगी चलण अज के कल हुण अपने आप नूं शेख कहा। तो यह भी गल कही है वेखो शेख का एक रुतबा है जो भगत का रुतबा है ना इस कल्चर विच उही शेख का रुतबा है उस कल्चर विच तो उन्होंने शेख फरीद कहा जाता सी भगत नहीं सी कहा जाता महाराज ने उन्हां दे नां नाल शेख शब्द ही वरत्या। ये नाम ही है तो नाम के नाल तखलस भी है वडियाई का। हुण गुरु साहब सच्चे पातशाह ने ना किसी के नाम नालों कोई गल वधाई तो ना घटाई उन्हां दी वडियाई नूं चार चंद लाउण दा सब तो वड्डा गुरु साहब जी का जो कारण है जो कार्ज उन्होंने किया एक उदाहरण तुहाडे सामने रखना कि बाणी विच शब्द दर्ज नहीं है जिस विच बाबा नामदेव साहब आखते हैं भी ए पंडिया बोको ढेड़ कह ढेड़ नीच नूं कहिंदे ते पंडिया कोई खास किसी समुची बरादरी नूं नहीं कहा गया जिन्हां दी जारेदारी कंट्रोल है मज़हब दे उत्ते धार्मिक जगत उत्ते जिन्हां दा कंट्रोल है उन्हां नूं कहा गया जिहड़े ये फैसला करदे ने भी उच्चा कौन है नीवा कौन है हक किहनूं ने हक किहनूं नहीं जो ये फैसला करदे उन्हां नूं कहा गया भी उन्हां दे फैसले मुताबक उन्हां दे कहे मुताबक जो मैनूं हक दिता गया ना वो इन्ना ही है भी मैनूं नीच कहा गया तो मेरे लिए निर्धारित कर दिता गया भी मैं मंदिर की पौड़ी नहीं चढ़ सकता। मसला यह नहीं भी कोई भगत नामदेव साहब बड़े तरलो मछी हो रहे सन भी मैं अंदर जावा अंदर ही रब बैठा ऐसा कोई इशू नहीं है। गल उन्होंने मुका दी सी जदों उन्हें कहा सी नामे सोई सेव्या जो देहुरा नाम सीत पर यह गल वो क्यों कह रहे हैं दरअसल वो दस रहे ने भी ये लोग जिहड़े कहिंदे ने भी ब्रह्म एक ही है तो सारयां दे विच है जदों तुसी वेखोगे बंदा पशु नाल ईरखा नहीं कर सकता रुखां पेड़ पौद्यां दे नाल बनस्पति नाल ईरखा नहीं करता ईरखा मनुख मनुख नाल करता क्योंकि उहदा शरीक उहदे बराबर दा है ईरखा हुंदी उत्थे जिथे बराबरता होवे कोई मनुख मेरे बराबर ना आ सके इसे करके ही तो ईरखा का सहारा मनुख लैंदा है। कदे किसे नूं पशुआं नाल ईरखा होई है पशु दे इन्ने सिंग क्यों ने मेरे क्यों नहीं बाज दियां इन्नियां तेज अखां ने मेरियां क्यों नहीं फलां पशु इन्ना दौड़दा है मैं क्यों नहीं दौड़दा पंछी इवें आकाश में उड़दा मैं क्यों नहीं उड़ सकता इस करके मैनू चिड़ियां कावां नाल जनौरां नाल नफरत है। कदे होया ऐसा ये फीलिंग कदे साडे अंदर होई हो ही नहीं सकती वो जिनसो कैटागरी वक्री है सानू किहदे नाल होएगी वेखो फलां मनुख मेरे नालों सोहणा है फलां मनुख मेरे नालों
मायक तौर पर अगे है। दूजा मनुख जिहड़ा वो वेखो अगर खास तौर पर ये उत्थे ही होएगी जिथे कोई तुहाडे बराबर खलोण दा यतन कर रहा होएगा भी मैं भी तुहाडे वर्गा, उत्थे ईरखा होएगी, उत्थे द्वैष, उत्थे जैलस होएगी, दूजी जगह हो ही नहीं सकती, उत्थे स्पेस ही नहीं, उत्थे गल ही नहीं, इहदा कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर सब तो वध उत्थे होएगी जिथे तुहाडा दायरा होएगा। किन्ने वड्डे वड्डे लोग महल उसारे आपां लंघदे किन्ने बड़ा सोहणा है बई, कोई तकड़ा बंदा बना रहा, तुहानूं कोई चिंता तो नहीं ना हुंदी, पर मेरा भरा भरा बना रहा होवे तो मैनूं थोड़ी जी चिंता हुंदी है। अच्छा, मैं ये लागे छोटा लगन लग पवांगा, किन्ना कुछ उसर रहा है। आपां सफ़र कर रहे हाँ, किसी मनुख नूं बेहद कीमती लिबास पहनिया होया वेख्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होई, खुश होए, उहनूं आपां यह भी कहा भी तू बड़ा सोहना लगता है, पर मेरा दोस्त उही पोशाक पा के आ जाए तो थोड़ी जी बेचैनी होंदी है। उहदा कारण यह है भी वह मेरे दायरे च है, तो मैं अपने दायरे च घटना नहीं चाहता, नीवा नहीं होना चाहता। तो यह जड़ियाँ चीज़ा ने भी एक खास इनवायरमेंट च ही पैदा होंदिया ने, एवें नहीं पैदा होंदिया, ये किसी खास जगह पर पैदा होंदी, इन्हां दा भी एक मौसम है, इन्हां दी भी एक जगह है। साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का वाक जिथे नामदेव साहब कहते भी पंडिया मोको ढेड कहत तेरी पैज पिछौंडी होएला, तो सतगुरु का सब तो वड्डा कदम पता की सी, उन्हां बाणी भगतां दी अपनी बाणी नाल दर्ज कर ली। पंचम गुरुदेव धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने बाणी नूं एक सार संपादन करके एडिट करके तो उचेचा दरबार बनाया, तो दरबार दे विच अपना आसन लाने की बजाय, अपना दरबार सजाने की बजाय उन्हें बाणी को उस जगह पर प्रकाश करके इनू क्या जाता है वह स्टेटस निर्धारित करना। तो सिखां दे दिल दिमाग में यह गल पा दिती गई भी शब्द का, बाणी का, उपदेश का, इस अनुभव का जिहड़ा कमाया गया है इहदा रुतबा सब तो श्रेष्ठ ते उच्चा है। तो सिख जगत ने अज तक की हिस्टरी में जिन जिहड़े सुचेत जिन्हां नूं पता है भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का रुतबा की है, उन्हें इस गल नूं कदे भी प्रवान नहीं किया कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बराबरता से किसी मनुख नूं, किसी पुस्तक नूं, जां किसी तीजी चौथी चीज़ नूं लिआंदा जाए। अज तक भी इस मानसिकता जे नहीं प्रवान किया तो उहदा कारण यह है कि इहदा स्टेटस गुरु साहब जी ने आप निर्धारित कर दिता। हुण जरा पुछो जां सोचो कित्थे ते भगत नामदेव साहब किसी दूजे धर्म स्थान की पौड़ी नहीं चढ़ सकते जिथे हाकी नहीं उन्होंने, तो उन्होंने ये निहोरा भी है, तो एक चीस तो एक दर्द भी है भी ये पंडिया मोको ढेड कहत, तो कितने अज उन्हों की बाणी को मनण वाले आप कोई आखे भी मैं वेद या कतेब लिया इवें ही गुरु ग्रंथ साहब के बराबर रख लव, तुसी रखण नहीं दोगे, ये किहदी वजह करके? बाणी इकट्ठी करन वाले सतगुरु ते बाणी संभालण वाले सतगुरु ते इस बाणी दा सत्कार बहाल रखण वाले खालसा पंथ दी वजह करके। जिहड़े आखदे ने मैनूं नीच कह के दरकारिया जा रहा, जो उन्हां दी बाणी दे बराबर भी जे उत्थे उत्थे जा के की वेख्या जाणा है? भागवत दे सलोक पढ़े जाणे ने, वेदां दी तलीम दित्ती जाणी है, तो गुरु साहब ने उन्हां दा स्टेटस इन्ना उच्चा चुक दिता भी अज वेद भी जे गुरु ग्रंथ साहब दे बराबर रख्या जाए तो सिख मानसिकता इहनूं प्रवान नहीं करदी। वो आखते ने ठीक है ये ग्रंथ है, इनू तुसी अपने रिस्पैक्ट नाल रखो, पर इनू असी गुरु का रुतबा नहीं दे सकते, गुरु का रुतबा इस बाणी नू ही रहेगा। ये वड्याई है, ये कर्म है, ये इनकलाब है जिहड़ा गुरु साहब महाराज धन गुरु नानक साहब के घर ने पैदा किया है। अज तक के इतिहास में तुसी वेखो कि उन्हां महान भगतों तो पहला कोई भगत पैदा नहीं सी होया, बड़े होए होणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जिक्र भी है वैसे, पर उन्हां नूं की रंगत दे लई जमाने ने, ते की अज उन्हां दा की उपदेश सी, साडे कोल इक अक्खर भी मौजूद नहीं है, पर उन्हां महान सतपुरखां दा एक एक बोल गुरु साहिब ने सीने नाल ला के रखिया ते उस नूं संभाल लिया। एडा वड्डा कर्म करना ये गुरु नानक महाराज दे दार घर दे ही हिस्से आया है। इस करके जिस वेले असी महान भगत साहिबाना की बाणी नूं पढ़दे हां तो सानू नाल नाल गुरु नानक पातशाह दे शुक्रगुजार भी होना बनता है कि गुरु महाराज ने इन्नी महान शिद्दत नाल इन्ने परउपकार करदे आ
इन्नी कुरबानी दे नाल एडा वड्डा इनकलाबी कदम इतिहासक तौर पर चुके है। जिहो जिहा कोई होर भारत वर्ष की समुचे इतिहास में कोई अजिहा कदम चुक नहीं सकिया। ये गल्लां उदों ही घड़ियां गई सन जदों ये पता लग्या भी गुरु नानक ने एडा वड्डा कदम चुक लिया, तो फिर निक्कियां निक्कियां गल्लां आईयां भी किसी शूद्र खवाउंदे मनुख के हथों बेर खा लए सन, इस करके साढ़े भगवान महान हो गए। इत्थे तो गुरु साहब ने सब कुछ ही सांझा कर लिया, फर्क ही कोई नहीं रहन दिता। तो साहब कृपा करन असीं इन्हां नुक्तियां नूं जरूर समझिए भी धन गुरु ग्रंथ साहब जी की समुची बाणी नूं जो दर्जा प्राप्त है उहदे पिछे इतिहास की है, तो इस दर्जे नूं असीं बरकरार रखदे हां, इहदे आदर ते भाउ विच चलदे हां, इस बाणी दे उपदेश नूं अपने जीवन का आधार ते आसरा किवें बनाउणा है। आप समूह संगत का प्रबंधक सेवादारां का सत्कारयोग भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु होईआं भुल्लां चुक्कां की खिमा बख्शन, अदब सहित फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की